असाको फ्रेंड्स, पोलैंड की तरफ से आज के दिन आप लोग के लिए काफ़ी तादाद में जॉब्स का ऐलान किया गया है। ये जॉब्स ड्राइवर हसात के लिए हैं। जो लोग एज ए ड्राइवर जाना चाहते हैं पोलैंड में, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। जो नहीं जाना चाहते वो स्किप करके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी इस चैनल पर आए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए 100% गारंटेड जॉब किसी न किसी कंट्री की अपलोड करते रहते हैं, डेली अपलोड करते हैं और 100% ग्रांटेड होती हैं। यहाँ पे आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है, जिस तरीके से मैं बताता हूँ। अगर आप इसी तरीके से ओपन करते हैं तो यकीन कीजिए, जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो इस वक्त अपने जो है वो किसी न किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, सऊदी, दुबई, कतर, कहीं ना कहीं यूरोप में। जो लोग फॉलो नहीं करते, इधर उधर पूछते रहते हैं, कभी मैसेज व्हाट्सएप पे कर, कभी उनको एजेंसी वालों को कॉलें करते हैं, तो वो कभी भी जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि अप्लाई कैसे करना। जस्ट वो थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, स्किप करके भाग जाते हैं। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे ilmkari.com, इसको ओपन करने के बाद इस तरह की पाकिस्तान वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे सऊदी, दुबई, कतर, कनाडा, ओमान, मस्कत, पोलैंड, रोमानिया, तमाम तर कंट्री, माल्टा की भी जॉब्स अवेलेबल है। किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हम जो है पहली जॉब्स ओपन कर, यूनाइटेड स्टेट की भी जॉब्स अवेलेबल, ड्राइविंग जॉब्स इन पोलैंड, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि पोलैंड की तरफ से या रोमानिया की तरफ से जब भी हम अप्लाई करने जाते हैं तो वो पैसा मांगते हैं। तो भाई, यूरोप कंट्री के लिए अगर आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ ख़र्चा आपको देना होता है। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मींस अगर आपका कोई वहाँ पे बंदा है, या फिर आप जो है डायरेक्ट भी जॉब चाहते, जैसे कनाडा की जॉब डायरेक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जब अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी का खर्चा होता है, वो भी एम्बेसी में आप जाते हैं, उनकी जो एम्बेसी पाकिस्तान में है, पोलैंड की या यूरोप किसी भी कंट्री की, वहाँ पे आप जाते हैं एम्बेसी इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवाना होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। मतलब अगर आपका काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी, वो 700-800 डॉलर होते हैं, मतलब पाकिस्तानी 1 लाख से ऊपर बनते हैं। तो ये बात जहन में रखिए, पहले जो क्योंकि डॉलर का रेट काफ़ी कम था, तो 70,000-60,000 इतनी रेट हुआ करता था इसका कनाडा का, अभी उसका भी डॉलर का जैसे रेट ज़्यादा होने की वजह से उसका भी रेट ज़्यादा हो गया है। तो बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, इसी पोस्ट को ओपन करना है और नीचे आ जाना है पोलैंड बाद के वीज़ा, और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, इसमें आपने जो है अप्लाई करना है। यहाँ पे नीचे हैवी ट्रक ड्राइवर 100 बंदा चाहिए, किसी भी मुल्क का हैवी लाइसेंस होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान का हो, दुबई का, कतर का, कनाडा का, किसी भी कंट्री का होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं साथ, अल्लाह हाफिज़।